इंफोसिस नंबर्स तो काफी अच्छे रहे लेकिन गाइडेंस घटाना ये एक बड़ी प्रॉब्लम वाली बात हो गई और लगातार दूसरा क्वार्टर है जब कंपनी ने अपना रेवेन्यू गाइडेंस कम किया है। कॉन्स्टेंट करेंसी ग्रोथ कंपनी की वैसे तो बेहतर आई थी लेकिन अब गाइडेंस 3.5% का जो था पहले वो 1-2.5% कर दिया है और ज़्यादातर ब्रोकरेज हाउस ने टारगेट्स कम किए हैं। ADR 6.5% घटा है। HCL Tech यहाँ पर भी नतीजे मिले जुले थे बट परेशानी वही है गाइडेंस कट इन्होंने भी किया है। 6-8% की कॉन्स्टेंट करेंसी ग्रोथ का पहले अनुमान था जिसे काटकर अब 5-6% कर दिया है और ब्रोकरेजेस ने भी स्टॉक पर टारगेट्स घटाए हैं। आनंद राठी और एंजल वन दोनों ही ब्रोकिंग कंपनियों की तरफ से जो रिजल्ट आए वो बढ़िया। वैसे आनंद राठी वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी है लेकिन नंबर्स बहुत मजबूत दोनों ने दिए हैं। खाली मार्जिन जस के तस हैं, कम नहीं हुए, ऐसा नहीं कि कम हुए लेकिन मेंटेन है। 25-40% की ग्रोथ आती दिखी है। आनंद राठी के AUM में 47,000 करोड़ का आंकड़ा पहुंचता हुआ दिखा है जो कि कंपनी ने ऑलरेडी अचीव कर लिया था 51,000 करोड़ का, अब उन्होंने टारगेट रिवाइज किया है। डॉक्टर रेड्डीज खराब खबर है, USFDA ने इनकी हैदराबाद बाचूपली बायोलॉजिक्स मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की प्री अप्रूवल जांच करी थी। फॉर्म 483 जारी किया गया है यानी कि प्रॉब्लम्स मिली हैं। 9 आपत्तियां इन्हें मिली हैं, देखते हैं क्या रेजोल्यूशन निकल कर आता है। एम्फेसिस ने की है शॉपिंग और वो भी बड़ी वाली। अमेरिका में जाकर उन्होंने एक सोनिक पार्टनर्स करके कंपनी को अधिग्रहण किया 1100 करोड़ रुपए में, पूरा कैश, बड़ा अधिग्रहण। एम्फेसिस यहाँ पर रखिए नजर, एक एक्विजिशन करिए इनकी सब्सिडी सोनिक पार्टनर्स, इनकी सब्सिडी ने US की सोनिक पार्टनर्स का अधिग्रहण किया है 1100 करोड़ रुपए में किया है अधिग्रहण। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कारोबार का काम करती है ये कंपनी। ओके, इसके अलावा SJVN BGR एनर्जी दोनों रहेंगे सुर्खियों में। 100 मेगावाट का प्रोजेक्ट जो है सोलर पावर प्रोजेक्ट उसके लिए बोली जीती, 600 करोड़ का प्रोजेक्ट है। BGR एनर्जी मंगलोर रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल से MRPL से एक ऑर्डर मिला है 113 करोड़ रुपए का। राइट्स और इरकॉन दोनों को सरकार ने अपग्रेड कर दिया है, मिनी रत्न कंपनी हुआ करती थी, अब इन दोनों को नवरत्न कंपनीज बना दिए गए हैं। अच्छी खबर दोनों रेलवे कंपनीज के लिए। GMR एयरपोर्ट अगर आप मंथ ऑन मंथ देखेंगे तो थोड़े नंबर्स खराब और साल दर साल देखेंगे तो अच्छे, और ये नंबर है मंथली ट्रैफिक डेटा के। साल दर साल यहाँ पर नंबर्स बढ़कर आए हैं 23%, महीने दर महीने 4% घटे हैं। और फाइनली मेटल स्टॉक्स पर भी रखेगा नजर, स्पेशली एल्यूमिनियम हिंडाल्को नालको। US में कल मेटल इंडेक्स 3.5% गिरा है। अल्कोआ ग्लोबली एक बड़ी एल्यूमिनियम कंपनी है, 4% गिरी आज। भारत के एल्यूमिनियम और मेटल स्टॉक्स पर प्रेशर दिख सकता है। ये है आज के टॉप 10 स्टॉक्स।